मिश्रा क्लासेस जय सिंह पुरा कौर में 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने कोरोना वायरस जैसे भयंकर महामारी के कारण ही 90% ऐसे ही अधिक अंक प्राप्त करके मिश्रा क्लासेस और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित किया है, जिसमें ऋतु भारद्वाज 99%, निकिता कोटवानी 98.20%, वंशिका पहलवानी 97.80%, दिशा शर्मा 96.80%, गीतिका पटेल 96.80%, लवीना भक्तानी 96.20%, दीपान्विता के 96, सौरभ शर्मा 93.67%, जया शर्मा 93%, अनमोल सोनी 93%, टीना भगत 93%, काव्यांश सैनी 92.67%, प्रियांशी सैनी 91.67%, भविष्य पाराशर 91.67%, भावेश 91.50%, दिव्यांशी शर्मा 91.40%, योगिता टिंकर 91.33%, आशिका 91%, रिमझिम 91%, हर्षिता शर्मा 91.40%, नवीना 90.33%, विशाखा 90%, हर्षिता सिंह 90% अंक प्राप्त किया। इस परिणाम पर मिश्रा क्लासेस के डायरेक्टर एस के मिश्रा ने सभी बच्चों को इनके परिणाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सफलता भाग्यवान प्रतिभा ऐसे ही नहीं मिलती, बल्कि सही मार्गदर्शन और निश्चित तैयारी ऐसे ही मिलती है। हेलो, मेरा नेम साक्षी है और मैं मिश्रा क्लासेस में MNSST और DST टीचर वर्क कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि पिछले पूरे ईयर कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी वो इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं और हम बहुत हैप्पी हैं कि हमारी कोचिंग से इस साल 90s में ही सारे बच्चे आए हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस आवर रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग स्कूल्स के बारे में, पहले तो स्कूल्स को ओपन करना चाहिए, बट उससे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वैक्सीनेशन को देनी चाहिए। जो स्कूल्स हैं उन्हें खुद के स्कूल्स में ही कैंपेन्स लगाने चाहिए वैक्सीन के, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाए। वैक्सीनेटेड होने के बाद भी उनके लिए 1 से 2 आवर्स तक के लिए स्कूल खोले जाए, बिकॉज प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद भी कहीं ना कहीं पैंडेमिक का डर है, तो इसलिए सिर्फ 1 to 2 आवर्स के लिए सही, लेकिन स्कूल्स को ओपन करना चाहिए। बिकॉज पूरे पिछले साल और उससे पिछले साल बच्चे ऑनलाइन बेसिस पे ही पढ़े हैं, और जो बच्चे पिछले साल 8th में थे वो इस साल 10th में आ गए, लेकिन 2 ईयर्स में उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो उनके बेसिक्स को क्लियर कराने के लिए उन्हें टीचर्स की गाइडेंस की बहुत नीड रहेगी, और इसलिए वैक्सीनेशन के बाद में स्कूल्स को प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ खोलने की जो परमिशन है वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। साक्षी एंड आई एम वर्किंग एज एन SST एंड DST टीचर इन मिश्रा। आपका नाम? मेरा नाम अपूल। अपूल, जो इस बार आपने 12th पास करी है, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों अपने कोरोना काल चल रहा है, फर्स्ट कोरोना गाइडलाइंस आई उसके बाद में सेकंड आई, तो आपने पढ़ाई तो इस बार की नहीं होगी, ऑनलाइन पढ़ाई की, तो इस बार जो आपकी परसेंटेज बनी है कितनी परसेंटेज बनी है आपकी इस बार? मेरी 96.8। तो क्या आप इससे आप सेटिस्फाई हो? हाँ बिल्कुल। क्या इससे वो भी आप बना सकती थी? आपको लगता है जब आप पढ़ती तो क्या इससे वो आप ला सकती थी? जी बिल्कुल बना सकती थी। मिश्रा सर और समीर सर की गाइडलाइंस इसी तरीके की थी और उन लोगों ने हमें इसी तरीके से गाइड किया कि हम इससे ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन आपने पढ़ाई की तो क्या आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया इस बार ऑनलाइन? जैसे कि आप डिटेल, जैसे आप रेगुलर पढ़ती हैं, जैसे स्कूल क्लासेस वगैरह ट्यूशन क्लासेस में आप बैठकर जो पढ़ती थी बोर्ड के सामने जो लिखा होता था, और एक आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया, तो इस बार कैसा महसूस हुआ आपको उस लोगों को पढ़कर? ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके का वातावरण हमारा बना रहता था, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और उन लोगों ने हमें गाइड ही इस तरीके से किया था कि हम लोग ऑनलाइन भी इस तरीके से महसूस करते थे कि हम वर्चुअल क्लास। आपको सबसे ज्यादा श्रेय ज्यादा किसके जा रहा है आपको? जी पहले तो मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय दूंगी, और फिर जरूर से मेरे अध्यापक ने मेरी बहुत मदद की है, जैसे मिश्रा सर और समीर सर का पूरा योगदान रहा है, और टाइम में आपने कितना घंटे पढ़ाई करी आपने? लगभग 8 घंटे होती थी पूरे दिन में। क्या नियमित रहता था आपका? मेरा नियमित तो ऐसे कुछ था नहीं, लेकिन सोती 10 बजे थी और उठना 4 बजे का रहता था, तो सुबह की स्टडी बहुत काम करती थी, और सर ने जिस तरीके से बोला था कि आप रिवीजन करें, तो बस मैंने उस रिवीजन पे फोकस किया है, बस बार बार रिवीजन ही किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी परसेंटेज से, बट उसके अलावा भी मैं बहुत अच्छा कर सकती थी अगर मेरे एग्जाम्स होते तो। आप कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मिश्रा कोचिंग के बारे में? सर मैं कोचिंग में यहाँ से 2 साल से हूँ, मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया, 12th का भी बहुत अच्छा गया, और मुझे पता है सर अच्छा ही देंगे सबका रिजल्ट।
हम लोग मास्टर चालू पता है ना आपका आपकी कोचिंग में जो छात्र छात्राएं जो भी 6 नंबर से प्राप्त की उस बारे में बताई देना चाहिए। हमारे कोचिंग में जितने भी छात्र छात्राएं हैं करीब 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अंक प्राप्त किए और हमारे कोचिंग संस्था जितने भी अध्यापक है उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहे, गाइड करते रहे और डेली 2 या 3 8 CD क्लास प्रोवाइड कराते रहे। करीब 25 बच्चे जिन्होंने 90% से अधिक अंक लाए वो उससे भी अच्छा अंक ला सकते थे अगर ऑफलाइन क्लास भी चलती। इन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई और इनके माता पिता को सादर प्रणाम जिन्होंने जिनके मोटिवेट से और उनके मार्गदर्शन से और हम लोगों के मार्गदर्शन से हमारे बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट रहा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये बच्चे और आगे जाएं और आगे बढ़े क्योंकि सफलता भाग्य और प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि सही मार्गदर्शन और निश्चित तैयारी से। सूरज कुमार मिश्रा, मैं मिश्रा क्लासेस का डायरेक्टर।